नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेटेस्ट लीगल वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी आपकी पंजाब एंड सिंध बैंक की तरफ से है। पोस्ट का नाम है मैनेजर लीगल। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ से आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन से आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यहीं पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का भी लिंक मिल जाएगा। लेटेस्ट लीगल जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विदिक पल को। पंजाब एंड सिंध बैंक अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग लेटरल रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसकी स्टार्टिंग डेट है 28/6/2023, यानी आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी क्लोजिंग डेट होगी 12 जुलाई 2023। वैकेंसीज़ की बात करें तो यहाँ पे दो तरह की वैकेंसी हैं। एक है आपकी CL No. 4 पे लॉ मैनेजर, जहाँ पे लिखा है ये आपकी मैनेजर की पोस्ट है, और दूसरी है आपकी लॉ मैनेजर यहाँ पे जो CL No. 18 पे लिखा हुआ है, ये सीनियर मैनेजर लॉ की वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें यहाँ पे तो OBC के लिए मैनेजर लॉ में OBC के लिए एक वैकेंसी है, UR के लिए 5 वैकेंसीज हैं, इस तरह से 6 वैकेंसीज हैं आपकी मैनेजर लॉ में। वहीं सीनियर मैनेजर लॉ की बात करें तो एक वैकेंसी है UR की, इस तरह से टोटल वैकेंसी हो जाती है एक आपकी। मैनेजर लॉ की 6 वैकेंसीज है, वहीं सीनियर मैनेजर लॉ की एक वैकेंसी है। इसके रिगार्डिंग फर्दर क्वालिफिकेशन क्या है उसे देख लेते हैं। एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज 25 से 35 के बीच में होनी चाहिए। फर्दर कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन अप्लीकेबल होगा, आप नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं Serial No. 4 पर जो वैकेंसी है मैनेजर लॉ की, उसके रिगार्डिंग क्या एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसे देख लेते हैं। तो उसका नाम है लॉ मैनेजर। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, बैचलर्स डिग्री इन लॉ विद 3 ईयर और 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स विद 60% मार्क्स। अगर आपने LLM कर रखा है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ विल बी प्रिफर्ड। एसेंशियल एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपने पहले वर्क किया हुआ है एज अ लॉ ऑफिसर इन द लीगल डिपार्टमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक / स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट / PSUs में, अगर आपने लॉ ऑफिसर के रूप में काम नहीं किया है तो आपके पास एटलीस्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं तो आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप लॉ ऑफिसर के रूप में वर्क कर चुके हैं तो आपके पास मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। CA No. 18 पे आप देख सकते हैं लॉ मैनेजर। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, बैचलर्स डिग्री इन लॉ विथ 60% मार्क्स। यहाँ पे भी आपने अगर PG कर रखा है यानी LLM कर रखा है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो एज अ लॉ ऑफिसर वर्क करने का आपके पास 4 ईयर का एक्सपीरियंस हो मिनिमम 4 ईयर का, या 6 ईयर का आपके पास मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। तो यहाँ पे सीनियर मैनेजर लॉ के लिए मिनिमम 4 ईयर एज अ लॉ ऑफिसर या 6 ईयर एज एन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्केल ऑफ पे यहाँ से आप देख सकते हैं मैनेजर के लिए आपको सैलरी क्या होने वाली है, और सीनियर मैनेजर के लिए भी आप यहाँ से सैलरी स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आपका जो सिलेक्शन है वो रिटन टेस्ट, शॉर्ट लिस्टिंग एंड पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। जो रिटन टेस्ट है आपका वो IBPS कंडक्ट कराएगा, जो बैंकिंग एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है आप सभी लोग जानते हैं। तो ये जो आपका टेस्ट होना है ये IBPS के थ्रू होगा। जो वेटेज होगा ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू का वो होगा 70% एंड 30% रिस्पेक्टिवली। इंटरव्यू की बात करें तो आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आप अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 40% स्कोर करना मस्ट है। वहीं अगर अदर कैटेगरी से SC ST OBC PWD कैंडिडेट है 35% स्कोर करना आउट ऑफ 100 मस्ट है। इसी नोटिफिकेशन से आप एग्जामिनेशन सेंटर चेक कर सकते हैं। सारे स्टेट वाइज यहाँ पे इन्होंने सेंटर दे रखा है, लाइक उत्तर प्रदेश के लिए प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, मेरठ एंड वाराणसी सेंटर आपका रहेगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो SC ST PWD कैंडिडेट के लिए ₹150 + GST, वहीं
अदर कैंडिडेट के लिए, अदर कैटेगरी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 850 रुपीज़ प्लस GST आपकी एप्लीकेशन फ़ी होने वाली है। बात करें हाउ टू अप्लाई, यानी आपको अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों इसके नोटिफिकेशन में जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो हमने आपके साथ शेयर कर दी है। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके नोटिफिकेशन को वेट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।